कितनी जटाएं है तुम्हारी, कभी सोच करके सुन जाते नहीं हो क्या? सत्य का ज्ञान केवल अंतरात्मा की आंखों से हो सकता है। मुझे मूर्ख समझते हो क्या? जिसे सत्य ज्ञान होगा वो क्या गले में सर्प लेके घूमेगा? जानती हो जया विजय, महादेव ने जिस वासुकी को कंठ पर बिठाकर धारण किया हुआ है वो उनके कुंडलिनी शक्ति को पूर्ण तरीके से जागृत होने का प्रतीक है, और उसके साथ ही साथ मेरे प्रभु एक विषधर सर्प को अपने कंठ से लगाकर ये संदेश भी देते हैं कि कोई भी प्राणी बुरा नहीं होता यदि किसी विषधर को सच्चे हृदय से अपनाया जाए तो वो आपका एक सच्चा साथी भी बन सकता है। ये देखो मेरी वाला बहुत सुंदर है ना, मेरी माँ ने दी है, और स्वयं देखो तुम्हारी माला कितनी रुखी सुखी विचित्र सी है। संसार का कोई भी आभूषण रुद्राक्ष से सुंदर नहीं हो सकता, क्योंकि वो मेरे प्रभु के प्रेम के प्रतीक है। जब सती रूप में मेरा उनसे विरह हुआ था तो मेरी स्मृति में उनकी आंखों से जो दो आंसू गिरे थे वही रुद्राक्ष के बीज बने, और ऐसे आंसू रूपी रुद्राक्ष को अपना आभूषण बनाकर महादेव ने उसे संसार के लिए कल्याणकारी बना दिया। यार चरम क्यों पहना है? रिक्शा में ढंग के वस्त्र नहीं मिलते क्या? सादा जीवन जीते हुए भी उच्चतम विचारों के सिद्धांत को मेरे महादेव से अधिक और कोई सार्थक नहीं कर सकता। मृत पशु का चर्म किसी योग्य नहीं होता, परंतु महादेव ने उसे भी उपयोगी बना दिया ताकि वस्त्रों के लिए प्रकृति का दोहन ना हो। जानती हो ना रेशम के धागे के लिए कितने ही कीट अपने प्राण गवा देते हैं, और कपास उगाने के लिए कितने ही वन काट दिए जाते हैं। यही नहीं, महादेव तो वो हैं जिन्होंने अपने शत्रु के चर्म को अपनाकर उन्हें सम्मान दिया, उनका सत्कार किया। इनके मन में कोई द्वंद नहीं है, ना कोई मित्र है और ना ही कोई शत्रु, सबके साथ समान व्यवहार करते हैं प्रभु, ऐसे हैं मेरे महादेव। लगता है तुम सब इनके भक्त हो। तुम्हारे अनुसार ये त्रिशूल और डमरू का भी कोई महत्व होगा? महादेव के एक हाथ में त्रिशूल और दूसरे हाथ में डमरू सजता है, इन दोनों से अधिक भला और क्या अच्छा आभूषण हो सकता है उनके लिए, क्योंकि त्रिशूल सृष्टि स्थिति और संहार का प्रतीक है। वो दर्शाता है कि तमस रजस और सात्विक इन तीनों गुणों पर महादेव का पूर्ण नियंत्रण है। वही डमरू से ब्रह्मनाद का, ब्रह्माक्षर का, स्वर का, व्यंजन का, इस सारे संसार का जन्म हुआ है। महादेव अपने तन को उस भस्म से सजाते हैं जो अनश्वर है। सब कुछ जल जाने के बाद जो बच जाती वही है भस्म। इसका स्पर्श मन को शांति दे रहा है, क्या है ये? अभी इस ना समझ के प्रभु के वास्तविक रूप का और महिमा का ज्ञान अवश्य होगा। कोई गहरा अर्थ नहीं है इस भस्म का, केवल एक ही कारण है आलस। वैसे इनके ऊपर भी गिर गई होगी, और तब से इन्होंने स्नान
नहीं किया होगा। इन्हें मेरी माँ से सीखना चाहिए। प्रतिदिन स्नान ध्यान करती है। एक बार उनकी पूजा पूरी हो जाने दीजिए, फिर मिलवा दूंगा उनसे। स्वयं बता देगी कि मैं सही हूँ या नहीं। देवी, अब आप पूर्ण रूप से तैयार हो गए हैं। लीजिए, आपकी पूजा की सामग्री भी तैयार है। रुकिए, आपके बालों की ये एक लटना बहुत ही हटी है, इसे मैं सही कर देती हूँ। बस 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 करो जय विजया, महादेव आते ही होंगे। प्रवेश करते ही यदि उनकी आंखों ने मुझे नहीं देखा तो वो निराश हो जाएंगे। उनके आने से पहले मुझे पूजा भी समाप्त करनी है। अब जाओ। चलो। कितने प्रसन्न होंगे प्रभु जब उनकी अपने पुत्र से प्रथम भेंट होगी। मेरे माँ ने मुझे आदेश दिया है, जब तक वो अपना स्नान सिंगार और अपना पूजा समाप्त नहीं कर लेती वो स्वयं बाहर नहीं आएंगी। तब तक मैं किसी को भीतर प्रवेश नहीं करने दूंगा। और मेरे लिए उनके आदेश सर्वोपरि है। तुम्हारी मातृ भक्ति देख के बहुत प्रसन्नता हुई बाल, पर बस कुछ और नहीं सुनना मुझे। केवल सुनाना है अपना निर्णय कि किसी भी मूल्य पर मैं तुम्हें भीतर नहीं जाने दूंगा। ऐसे कैसे नहीं जाने दोगे? बलपूर्वक जाएंगे हम। इतना साहस! लगता है मेरे इस हाथों के डंडे पर अभी तक तुम्हारी दृष्टि नहीं पड़ी। इस डंडे का इतना प्रभाव, ये कैसे संभव है प्रभु? ये कंपन तो मेरे डंडे की है। सब ठीक तो है ना पुत्र? इस तरह घूर के देखने से भयभीत नहीं हूंगा मैं। मैंने कह दिया ना, माँ का आदेश है, इसलिए मैं किसी को भी उनकी दिनचर्या में बाधा नहीं डालने दूंगा। यदि तुम्हारी माँ चाहती है कि उनसे कोई भेंट ना करे तो ऐसा ही होगा। प्रभु, प्रभु,
अच्छा तो इस डंडे को जमीन पर पटकने से कंपन आई थी। मेरा पुत्र बिल्कुल भैया विष्णु के अवतार कृष्ण के भांति ही नटखट है, ठीक वैसा जैसा मैं चाहती थी। जग में उसे बनाती, हाँ प्रथम देवता जग में उसे बनाती। बड़ा उपयोगी शस्त्र है भाई। कुछ देर अवश्य लगी पर अंत में मुझसे भयभीत होकर मेरी बात मानकर वो वापस लौट गए। अच्छा हुआ माँ की पूजा में कोई विघ्न नहीं आया। प्रभु, इतने लंबे समय से आप माँ से मिलने की प्रतीक्षा कर रहे थे और अब एक बालक के कहने पर उनसे मिले बिना ही वापस लौट रहे हैं। प्रभु, आपको तो उसे दंड देना चाहिए। हाँ प्रभु, हम सबने इतना समझाया पर हमारी बात माननी तो दूर, उसने सुनी तक नहीं। इतनी कम आयु में उसमें इतना अभिमान है तो भविष्य में उसका व्यवहार कैसा होगा प्रभु? वो बालक उद्दंड तो है जिस समय नंदी श्रृंगी और अन्य सभी शिवगण महादेव के रौद्र रूप को जगाने का प्रयास कर रहे थे वहीं माँ पार्वती शिवलिंग पर जल चढ़ाकर महादेव के शांत रूप को पूज रही थी और इसका आभास महादेव। मैं प्रतीक्षा करूंगा। प्रभु तो पुनः ध्यान करने लगे। उस बालक के कारण प्रभु और माता के मिलन में एक बार फिर विलंब हो गया। अब मुझे ही उस उद्दंडी बालक को शिष्टता का पाठ पढ़ाना होगा ताकि प्रभु और माता का मिलन शीघ्र ही हो सके। इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी महादेव को क्रोध क्यों नहीं आया? गुरुदेव, वो स्वयं को शांत कैसे रख पाए? महादेव का रुद्र रूप उनके संपूर्ण व्यक्तित्व का एक अंश भी नहीं, पर उसकी तीव्रता के कारण सभी अपने मन महादेव की वही रौद्र छवि बना लेते, जबकि सत्य तो यही है कि वह सच में भोलेनाथ ही। वे कभी अहंकार नहीं करते, किसी की बात का बुरा नहीं मानते, कभी किसी से प्रतिशोध नहीं लेते, ये उनका स्वभाव ही नहीं है गरुड़। और उस समय भी उन्होंने वही किया। वे ध्यान में बैठ गए और समाधि की अवस्था में चले गए, परंतु नंदी श्रृंगी और अन्य सभी शिवगण इतने शीघ्र ही शांत होने वाले नहीं थे। बालक, तुम्हारी उद्दंडता अब सीमाएं तोड़ रही है। यदि अपनी माँ की आज्ञा पालन करना उद्दंडता है तो ये उद्दंडता मैं अवश्य करूँगा। देखता हूँ क्या बिगाड़ते हो तुम सब मेरा। सावधान बालक, तुम हमारे प्रभु को नहीं जानते। वो शिव है, शिव देवों के देव महादेव। इनका क्रोध बहुत भयंकर होता है। ना तो मैं उनके क्रोध से भयभीत हूँ और ना तो उसकी भयंकरता से। भयभीत होने की आवश्यकता है बालक। जब अहंकार बुद्धि पर हावी हो गया था और वचालता विवेक पर भी, तब उन्होंने ब्रह्मा जी का शीश काट दिया था। ऐसे है हमारे महादेव। अ
अर्थात सचमुच ब्रह्मदेव के पास 5 शीश हुआ करते थे। 5 मुख और 5 शीश वाले तो केवल परम ब्रह्म होते हैं ना। इसका अर्थ तो ये हुआ ना दीदी कि ब्रह्मदेव भी पहले उसी श्रेणी में आते थे पर अब नहीं। ऐसा क्यों गुरुदेव, ये कौन सी कथा है? गणेश की ही तरह तुम्हारे मन में भी बहुत जिज्ञासा है गरु, पर हम तुम्हारी हर जिज्ञासा को शांत करेंगे गरु। ये कहानी उस समय की है जब इस संसार में कुछ भी नहीं था। शिव और शक्ति की ऊर्जा से प्रभु विष्णु और ब्रह्मदेव ने जन्म लिया, परंतु उन दोनों के बीच तर्क वितर्क होने लगा कि दोनों में बड़ा कौन है। सृष्टि का सृजन करता हूं मैं और सृजन से ही सब कुछ आरंभ होता है, और मेरे बिना ना सृष्टि का अस्तित्व होता ना जीवन, इसलिए मेरा महत्व अधिक है। मैं ही बड़ा हूं, सबसे बड़ा हूं मैं। आप अपनी कल्पना से जो रचते हैं मैं उसे संचालित करता हूं। मेरे बिना सृष्टि का संतुलन संभव ही नहीं है, और बिना संतुलन के विनाश होने में तनिक समय नहीं लगता, इसलिए मेरा महत्व अधिक है। आप भ्रम में हैं। आप सत्य पहचानिए। यदि मैं सृजन ना करूं तो क्या संचालित करेंगे आप? और मैं संतुलन ना बनाऊं तो आपके सृजन को नष्ट होने में कितना समय लगेगा? मेरा कार्य अधिक महत्वपूर्ण है। और मेरे कार्य के बिना आपका कुछ भी करना महत्वहीन। स्तंभ क्या है ये? ऐसा लगता है जैसे किसी दिव्य शक्ति का रूप रूप हो, फिर भी ना तो इसका रूप है ना ही रंग और ना ही आकार। कौन है आप? यही तो जानना है तुम्हें। स्वयं को सबसे बड़ा सिद्ध करने का प्रयास कर रहे थे तुम दोनों। जो इस स्तंभ का आदि और अंत ढूंढ लेगा वही सबसे सर्वश्रेष्ठ कहलाएगा और वही पूजनीय बन जाएगा।